नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर के सभी अंग हमारी कोई ना कोई विशेषता बताते हैं और विशेषता हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो आज जानते हैं कि हमारी जो पांच उंगलियां हैं वह हमारी क्या विशेषता बताते हैं, जानते हैं इस वीडियो के दौरान। आप में सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा हमारा ये संकेत देता है कि हम कितने आत्मविश्वासी हैं और हमारे हाथ के अंगूठे की जितनी ज्यादा लंबाई होती है वह जितना ही प्रभावशाली होता है। जब हम किसी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं तो हमेशा हम अंगूठा दिखाकर ही उसे संकेत देते हैं कि हाँ, आपको विशेष दी जा रही है। और दूसरा कि यदि किसी व्यक्ति का अंगूठा छोटा है लंबाई में तो वह उसकी सेक्सुअल और क्षमता को कम बताता है और उसे यह भी बताता है कि वह व्यक्ति कितना संकोची है, यानी कि वह बिना सोचे समझे किसी से बात नहीं करता और कभी भी बात करने के लिए कोई भी समय नहीं देखता। जब वह बोलता है तो वह उस बात को ध्यान में रख के बात करता है ताकि दूसरे को चोट ना लगे। और यदि किसी व्यक्ति का लंबा अंगूठा है तो वह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली होता है और दूसरे पे अपना हुक्म चलाना अच्छे से जानता है। अब बात करते हैं हम अपनी कनिष्ठ उंगली की। जिसकी कनिष्ठ उंगली का निचला हिस्सा लंबा, मोटा और गद्देदार होता है तो ये समझ लीजिए उसकी सेक्सुअल पावर बहुत अच्छी है, मल्टीपल ऑर्गेनिजर है। और एक और बात, यदि कनिष्ठ उंगली का निचला हिस्सा जिसका गद्देदार और मोटा होता है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन और लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा और उसकी सेक्सुअल क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। जिसकी कनिष्ठ उंगली का यह हिस्सा ज्यादा अच्छा होता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। शुक्र क्षेत्र, हमारे अंगूठे का निचला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा आपका यदि गद्देदार है, मोटा है और उभरा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके प्रभावशाली जीवन है और आपके अवसर भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी जिंदगी यानी कि शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी और यदि आपकी जॉब कहीं लगती है तो उसमें आप उच्च अधिकारी होंगे। यह आपकी विशेषता शुक्र का पाठ बताता है जो अंगूठे के निचले वाला हिस्सा बताता है। नेक्स्ट है आपके रिंग फिंगर, जिसे हम अपनी हार्ट उंगली भी बताते हैं। जब भी हमारी शादी या सगाई होती है उससे पहले तो उस समय हमें अंगूठी पहनाई जाती है तो वह हमेशा रिंग फिंगर में ही पहनाई जाती है। रिंग फिंगर की विशेषता ये मानी जाती है क्योंकि ये उंगली हमारे हृदय से बिल्कुल सीधी मिलती है तो इसलिए हमारी जिंदगी में आने वाला जो भी आने वाला है या आने वाली है उसकी लाइफ और हमारी लाइफ किस तरह से अच्छी बीतेगी। यदि रिंग फिंगर के नीचे आपका जो भाग है वह थोड़ा सा उभरा हुआ है और थोड़ा गद्देदार है तो समझ लीजिए कि आपके जिसके साथ पार्टनरशिप बनने वाली है वह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। और यह लोग कुछ ज्यादा ही भावुक होते हैं और अपने भावुक और अपनी भावुकता पर कंट्रोल नहीं रख सकते और अपने परिवार और अपनी बीवी या पति को लेकर ज्यादा ही संकोच में रहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बीच की उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं। यदि आपकी ये वाली उंगली का निचला हिस्सा बहुत मोटा है और आपकी रिंग फिंगर वाली उंगली इसके सेकंड पाव तक पहुंचती है तो समझ लीजिए कि आपकी उंगली सबसे ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि यदि ऐसी उंगली आपकी है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनेगी भी और कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और जिंदगी खुशहाल रहेगी। और नेक्स्ट है आपकी उंगली इंडेक्स फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। और इस उंगली का जो लंबा भाग होता है इसकी जितनी पाव होती है, अगर इसमें चार पाव होती है तो यह आपके फायदेमंद होती है क्योंकि ज्यादातर लोगों की तीन ही बनती है लेकिन कभी कभी किसी उंगली में चार भी बन जाती है। ये चार लकी नंबर हो सकते हैं आपके और आपकी जिंदगी में यही खुशियां लेकर आएंगे। आपके परिवार से लेकर आपके लाइफ पार्टनर जो भी होने वाला या होने वाली होगी उसकी जिंदगी में आप खुशियां बरतोगे और आपकी सेक्सुअल क्षमता भी आपकी विशेषता बताती है। यह उंगलियां आपकी ही और आपके पार्टनर के और आपके परिवार से रिलेटेड सारी विशेषताएं बताते हैं और यह है आपकी उंगली की विशेषताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।